तो 1991 का एक इंसिडेंट आपको याद दिलाना चाहूंगा। एक आप हांगकांग से जा रहे थे चाइना एक टूर्नामेंट में खेलने के लिए, एक प्लेन का जबरदस्त होमवर्क ये आपने, प्लेन का इंसिडेंट हुआ था, क्या हादसा हुआ था और आप इमीडिएटली आके पापा को फोन किया था? जी लाइफ में बहुत कुछ होते हैं, ये नहीं कि हर चीज अच्छा होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, कभी कभी टफ चीज भी होता है, कभी कभी डेंजरस भी होते हैं। और 1991 में हांगकांग से ग्वांजाओ जा रहा था और चाइना सदर्न या चाइना ईस्टर्न ऐसा कुछ फ्लाइट था और हांगकांग का एयरपोर्ट तब शातिन में थे और वो एक आइलैंड एयरपोर्ट थे। तो वी वर गोइंग टू टेक ऑफ एंड नॉर्मली इट्स अबाउट 14 टू 15 सेकंड्स बाय द टाइम द प्लेन स्टार्ट्स टू टेक ऑफ, 17 सेकंड्स, 18 सेकंड्स, 19 सेकंड्स के बाद वी हैडन टेकन ऑफ and then the pilot came on and said please brace yourselves and we ran out of runway, hit the rocks and fell into the ocean. Half the plane was in the ocean, half the plane was not. So it was a very trying time, a very challenging time, but I managed to survive. God was with me, karma was with me, and I guess I had a lot of things to achieve. And I hadn't achieved much by then. I just won Junior Wimbledon only in 1990. And I think I just won the US Open Juniors also maybe. Yes, because it was in November, December of 1991. But at that point, I feel that I learned a lot from that. Mental toughness jo hote hai na, individual sports jo sikhate hai, mental toughness. ये नहीं कि एवरीवन्स बॉर्न मेंटली टफ, नहीं, इट्स लाइक हाउ यू गो टू स्कूल फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एंड साइंस, यू ऑल्सो गो टू स्कूल फॉर स्पोर्ट्स फिटनेस, यू ऑल्सो गो टू स्कूल फॉर मेंटल ट्रेनिंग। साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो सिखाते हैं कि जिस तरह से यू कैन बी मेंटली टफ। तो जिंदगी में जो कभी कभी जो होते हैं, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ, यू आर नेवर इन कंट्रोल कि क्या आते हैं अपने पाथ में। अब गए चाइना, गए टूर्नामेंट खेलने? जी मैं ग्वांजाओ पे गए बाद में, हांगकांग से मैं ग्वांजाओ गए और जब वो फ्लाइट क्रैश हुए थे मैं वापस एयरपोर्ट पे आया करीब एक घंटा बाद और एयरपोर्ट से मैं पापा को फ़ोन किया और पापा को कहा कि आप टेलीविजन में ये देखेंगे, वो देखेंगे, ये सब, मगर फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, मगर अभी क्या करो, हमारा बैगेज प्लेन के अंदर है, हमारा ये सामान प्लेन के अंदर, हमारे रैकेट्स प्लेन के अंदर है, मैं क्या करूं? तो पिताजी ने कहा कि आप वापस जाके रैकेट्स और पासपोर्ट लो और द नेक्स्ट फ्लाइट, अगला फ्लाइट जो जा रहा है ग्वांजाओ, उस पर बैठ के आप जाओ, दोबारा ये नहीं हो सकते, आप तो बच गए इस फ्लाइट से मगर नेक्स्ट फ्लाइट तो श्योर सेफ होगा, तो आप नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के ग्वांजाओ जाओ। और पापा का सोच ही देखो कि नॉर्मली पापा होके तो घर बुलाते हैं, वापस घर आ जाओ, घर पे बैठो बेटा, मगर हमारा पापा ये नहीं कहा, उसने कहा कि आप नेक्स्ट फ्लाइट देखो, जो नेक्स्ट फ्लाइट जा रहे हैं ग्वांजाओ, आप जाओ वहाँ पे और जाके खेलो। और वो पहला टूर्नामेंट है हमारे ज़िंदगी में, हमारा करियर में, जो मैं प्रोफेशनल टेनिस में चैलेंजर सीरीज जो है कि मैं क्वालिफाई करके टूर्नामेंट जीता। तो वो मेंटल टफनेस जो देते हैं, इस ये जो जिंदगी जो जी है, जो मेंटल टफनेस देते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं।